मेरा आने का मकसद भी और जो भी इस बारे में गाइडेंस है वो लेके हम इलेक्शन के लिए तैयार हमें कोई इस बात का नहीं है कि ये 90 या 60 दिन में रहे 60 दिन में हो 90 दिन में हो 90 दिन में हो आगे जाने हैं तो आगे चले जाए लेकिन हम तैयार हैं। साहब हुकूमत बार बार कहती रही कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट बैठ के बात करें तो जब इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं तो जो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए इसकी क्या वजह बनी? नहीं आना चाहता ये पार्लियामेंट में आगे बंद करना चाहता है। इस आदमी की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। अब क्या चाहते हैं पार्लियामेंट में ना आए? कैंपेन कर रहा है, ये कैंपेन कर रहा है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है। ये जो है इसका कोई और एजेंडा नहीं है मास वाइज इसके कि मुल्क में अदम सियासी अदम इस्तेहकाम हो ताकि मौशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा ना खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है। अगर ये इक्तदार में है तो मुल्क रहना चाहिए, अगर ये इक्तदार में नहीं है तो उसके ऊपर एटम बम गिरना चाहिए, वो 3 टुकड़ों में तकसीम होना चाहिए। ये इसके का डिजाइन, लेकिन अगर पार्लियामेंट में आने का रास्ता रोकेंगे सर तो इसके डिजाइन को हमने जो है वो थोड़ा जो है वो इसको चेक किया है। ये जो है ना इसके 30-35 लोग जो कि इसी तरह इसकी तरह ही जो है वो पागलपन का शिकार है, गुमराही का शिकार है, तो उनको जरा चाहा है कि ये पार्लियामेंट से दूर है। सर दहशत गर्दी के वाकयात में एकदम से इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी और इस्लामाबाद में वाकयात में क्यों, वजह क्या है? इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ